कांग्रेस पार्टी के नेता और हम सब के बीच में आए राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी अविनाश जी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कलीम खान साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक अरविंद यादव, मनोज दीक्षित जी, रेखा वर्मा जी, अनिल पाल जी और बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आप पार्टी के सभी नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी और मंच पर हम सबको आह्वान करने के लिए और सहयोग और समर्थन के लिए दिल्ली से चलकर के आए आप पार्टी के नेता, राज्यसभा में सांसद संजय सिंह जी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं इस कन्नौज के आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां मैदान में लोग हैं और बड़ी संख्या में अभी भी लोग आ रहे हैं, जो हमारा बाईं तरफ मंच है और सड़क के किनारे जितने भी बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं उसके नीचे बड़ी संख्या में लोग हैं, मंच के पीछे भी दिखाई दे रहे हैं। ये कन्नौज के हमारे अपने लोग इस बार न केवल जिताने जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक वोट देकर से देश की बड़ी जीतों में शामिल होने जा रहे हैं। मुझे अपना पहला चुनाव याद आ रहा है, जो हमारे पुराने साथी होंगे वो जानते होंगे कि इसी मैदान में मैं पहली बार आया था और उस मंच पर नेताजी से लेकर के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता थे और जब मुझसे अपील करने के लिए कहा गया था, मुझे आज भी याद है कि केवल मैंने नाम लिए थे और केवल आप लोगों से सहयोग मांगा था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोला था। उसके बावजूद भी कन्नौज की उस जनता ने मुझे, जो पहला चुनाव था, अच्छे वोट से जिता करके भेज दिया। उस समय जो बातें कही गई थी, नेताजी ने कहा था, याद होगा कि मैं इसे आपके आपको अपने बीच में भेज रहा हूं, इसे नेता बना देना। हमारी पार्टी के दूसरे नेता ने कहा था कि इसको सुल्तान बना देना। किसी ने कहा था कि ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। और उसका परिणाम है कि पहले चुनाव से जब भी मुझे चुनाव लड़ना पड़ा होगा, मैं चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, लेकिन अपने कन्नौज के लोगों को कभी मैंने छोड़ा नहीं। एक कन्नौज का एक लंबा समाजवादी इतिहास है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से शुरू होता है, नेताजी से लेकर के, और जब भी समाजवादी पार्टी ने जिसको आपके बीच में लड़ाया होगा, आपने ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम किया। और जब मैं जीता हूं तो इस कन्नौज को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। इसी कन्नौज में जितने भी बड़े बड़े काम आज दिखाई दे रहे हैं, सबके सब समाजवादियों के किए हुए हैं।
अगर कोई हाईवे पे चलता होगा तो वो जानता होगा कि समाजवादियों का हाईवे है, कोई चला होगा, लेकिन हाईवे को हम लोगों ने कभी धुलवाया नहीं होगा। जो लोग आज के दिन जब हम याद कर रहे हैं और अपने परशुराम जयंती के दिन, अक्षय तृतीया के दिन जब ये कार्यक्रम होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि कन्नौज की जनता, ऐसे लोग जो हमारे और आपके बीच में दीवार बन करके खड़े हैं, समय समय पर समाज को तोड़ने का संदेश देते हैं, उन सब को आप धोने का काम करोगे, एक एक वोट डाल करके धोने का काम करोगे। वैसे तो चोरी में झगड़ा तभी होता है जब बंटवारा ठीक से नहीं होता है। चोरों में झगड़ा तभी होता है जब चोरी की चीज का बंटवारा ठीक ना हो। और हमें तो वो दिन भी याद आ रहे हैं जो लोग कहते थे बादलों की वजह से रडार से दिखाई नहीं देता है और नाले की पाइप से गैस निकाल करके चाय बनाई जा सकती है। आज वही लोग और उनके सहयोगी लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीन निकाल ली है, जो वैक्सीन लगवाई है, जिनके पास ऐसा ज्ञान है तो उन पे ये भी तो ज्ञान होगा कि वैक्सीन जो लग गई है वो वैक्सीन कैसे निकाली जाएगी। मैं बहुत लंबी बातें नहीं कहना चाहता हूं, हमारा किसान, नौजवान और इस देश की जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल में और लखनऊ की सरकार ने 7 साल में जनता को झूठी बातें और वादे झूठे देकर के गुमराह करने का काम किया है। हम सब मिलकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनको सबक सिखाने जा रही है। ये लोग जो हमारे आपके पीछे और संविधान के पीछे पड़े हैं, जो अपने आप को कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, ये बड़ी बड़ी होर्डिंगे आप इनकी देखो, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने यहां आकर के और अपील हम लोगों के लिए करने आए हैं, हमारा आपका मनोबल बढ़ाने आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग उनकी बात भी सुनेंगे और उन्हें बधाई भी देंगे कि जो उन्होंने यात्राएं की हैं, चाहे वो न्याय यात्रा हो या मोहब्बत को लेकर के उन्होंने जो भाईचारे को लेकर के, मिलीजुली संस्कृति को लेकर के यात्राएं की हों, और आज जब वो कन्नौज में आए हैं, अगर मोहब्बत और सुगंध मिल जाए तो सोचो कितना परिवर्तन हो सकता है। और हम अपने कन्नौज के लोगों को भरोसा दिला सकते हैं, जो हमारे विकास की सुगंध रोकी है उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आज के दिन जब आप वोट डालने जा रहे हैं कुछ दिन बाद, मैं एक ही अपील आपसे करना चाहता हूं कि आज जब आप आए हैं, आज के बाद कल आखिरी दिन होगा प्रचार का, उसके बाद प्रचार नहीं हो पाएगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने गांव, अपने बूथ पर जाकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल के साथ साथ वोट डलवाने की तैयारी करना।
हम लोग आ पाए ना पाए, बताओ आप लोग तैयारी करोगे बूथ पर? और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल चार कदम बाकी हैं, केवल चार चरण, चार कदम चार चरण बाकी हैं केवल। और ये चार चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत, ये चौथे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने कन्नौज के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं, मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार फिर राहुल गांधी जी का कन्नौज शहर में, जो ऐतिहासिक शहर है हमारा, न केवल इतिहास पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, बल्कि सुगंध और यहाँ के व्यापार की वजह से कन्नौज की एक अलग पहचान है। मैं अपने कन्नौज के लोगों का भरोसा दिलाता हूँ कि कन्नौज की पहचान को और ऊंचाई तक पहुँचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।